वेलकम अगेन फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज। आज इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू चेंज योर परमालिंक स्ट्रक्चर। तो परमालिंक क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, इसका क्या बेनिफिट है वो हम यहाँ पर देखेंगे, एंड इसको कैसे सेट करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा। फ्रेंड्स नाउ, अभी जितने भी हमारे वीडियोज आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स रहेगा। हम यहीं पर देखेंगे कि किस तरह से परमालिंक स्ट्रक्चर वर्क करता है। द डिफॉल्ट परमालिंक स्ट्रक्चर यूज बाय द वर्डप्रेस डज नॉट हेल्प इन ऑन साइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। परमालिंक स्ट्रक्चर जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के लिए हेल्पफुल रहता है, एंड ये जो डिफॉल्ट है वर्डप्रेस के अंदर जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बनता है उससे हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती। तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हम इसको चेंज करें। दिस वीडियो शो यू हाउ टू चेंज योर परमालिंक स्ट्रक्चर टू मेक इट सम मोर SEO फ्रेंडली वेबसाइट। सो पहले इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। इसके लिए मुझे जाना ओपन करना रहेगा मेरी वेबसाइट को। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिफॉल्ट वेबसाइट है, आप ऊपर देख सकते हैं URL में glenrush.com। और यहाँ पर हमारा कोई भी अभी पेज वगैरह नहीं बनाए, देखिए लेट्स सैम्पल पेज, ये एक डिफॉल्ट वर्डप्रेस बना देता है। और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे हेलो वर्ल्ड, ये भी हमारा एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट है जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं तब ये आता है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप ऊपर का स्ट्रक्चर URL देख रहे होंगे, तो ये 2020 ये 6 मंथ है, और ये आज का जो डेट है 6 जून, एंड उसके बाद लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। सो ये जो स्ट्रक्चर है URL का, ये बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसको यूज़र फ्रेंडली स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को रीड करता है थ्रू द XML फाइल, तब वो आपका URL पूरा रीड करता है उस पर्टिकुलर पोस्ट का, उस पर्टिकुलर पेज का। तो यहाँ पर जो पेज का आपका पोस्ट का URL है वो हमारा ईयर मंथ एंड डेट के साथ में आ रहा है। तो ये URL आप कभी भी किसी दूसरी वेबसाइट पर देखेंगे तो इस तरह से नहीं होता है, वो नीट एंड क्लीन URL रहता है। तो इसको एडिट करने के लिए अभी हम वापस से आते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में आप आएंगे तो आप नीचे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर परमालिंक्स का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप में आपको काम करना है कि परमालिंक्स आप सबसे पहले सेट कर लीजिए। देखिए परमालिंक्स में यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, प्लान है, अगर आप प्लान रखेंगे तो उसके आगे का एग्जाम्पल भी दिया है, क्वेश्चन मार्क पी इज इक्वल टू 123, वो ID आ जाता है। यहाँ पर आपका डेट एंड नेम, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक, पोस्ट नेम। सो हमें जो यहाँ पर सेट करना है वो पोस्ट नेम करना है। तो जैसे ही आप पोस्ट नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे /%size पोस्ट नेम %size/। तो ये सेट करने के बाद आप कर दीजिए सेव चेंज। तो ये हो जाता है आपका परमालिंक स्ट्रक्चर सेट। SEO पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हम SEO की बात नहीं करेंगे, SEO के लिए हमारा कंप्लीट न्यू सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम पर्टिकुलर SEO की बात करेंगे, SEO आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सो फ्रेंड्स नाउ, अभी हम वापस से हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर URL है वो अभी भी ऐसा है, एंड परमानेंट स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद ये URL कैसे चेंज होता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेज नॉट फाउंड का एरर आ गया, क्योंकि ये URL अब ऐसा हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से चेंज कर दिया है, तो अब ऐसा कोई भी URL नहीं हो। तो उसके लिए हमें अगेन क्या करना रहेगा, हेलो वर्ल्ड पर हम वापस से क्लिक करेंगे, और इसका जो URL है अभी आप ऊपर देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। सो ये हमारा जो है एक क्लीन URL है। सो सबसे पहले आप जैसे ही वर्डप्रेस सेटअप करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको करना है परमालिंक स्ट्रक्चर को सेट। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लगातार आप लोगों के सपोर्ट से हमारे कंटिन्यू वीडियो बनते जा रहे हैं। बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।